बुद्धि मिल गए बंदे। अरे तो अरे रुके, हाल चाल चुका हूँ एक और वीडियो लेके। और गाइस आज के वीडियो में तुम्हारी मुलाकात हो रही है दो केडी के किंग एंड ब्रू से। जरा नाम देखो प्लान पे क्या नाम रख रखा भाई आरपी वाले ने, किंग एंड ब्रू दो केडी का। बहुत सही समझ के नाम रखा भाई इसने, कहाँ से नाम रखा है सोच के। खैर जो भी हो, किंग एंड ब्रू चाचा आ रखे पोचंकी में और इसी के कारण हम भी पोचंकी आ जाते हैं। मैंने कहा भैया किंग एंड ब्रू से मीटअप करेंगे, थोड़ा उछलेंगे उनके सामने, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो देखो यार किंग एंड ब्रू को एक टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है और बचे हुए टीममेट अभी सबसे पहले तो किंग एंड ब्रू ही नॉक हो जाता है। तो किंग एंड ब्रू चाचा हमारे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम इनको नॉक कर देते हैं और उसके बाद इसका एक प्यारा सा टीममेट से बचाने के लिए भैया सबरी से आता है, जिसका सबर का बांध टूट जाता है और वो भी लॉबी में पहुंच जाता है। खैर जो भी हो किंग एंड ब्रू को मार देते हैं यार, वैसे भी तड़प रहा है बेचारा, बहुत परेशान है, घुटने पे दर्द हो रहा उसके। तो ये था तुम्हारा दो केडी का किंग एंड ब्रू जिसको कि मैंने मार दिया। मुझे पता बहुत से बंदे कमेंट कर भी चुके होंगे और कुछ करना भी चाह रहे होंगे, ये नूबड़े तू मारेगा किंग एंड ब्रू को, बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो और बहुत तगड़ा खेलता है, 50-50 किल करता है एक गेम प्ले में, हाँ पता है मुझे। तो देखो यार ये कोई ओरिजिनल किंग एंड ब्रू नहीं था, बट था किंग एंड ब्रू दो केडी का, मतलब उसका नाम था, उसको नहीं कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। कहीं अभी मेरे को गाली देने लगे, ओ भाई ये क्या कह रहा उसके बारे में, कुछ नहीं कह रहा इस बंदे के बारे में, कह रहा हूँ जो उसका नाम बदनाम करने पे तुला हुआ है। खैर जो भी हो अभी पोचंकी खाली नहीं हुआ है, अभी तो पोचंकी में पूरी की पूरी बारात आने वाली, देखते जाओ बस तुम। तो देखो यार सामने वाले घर में एक बंदा करने लग रहा कैंप। नहीं वैसे मैं ये गेट तोड़ भी सकता था, नहीं मतलब खोल भी सकता था, लेकिन मैंने तोड़ ही दिया क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था। और भाई साहब ये इतना बुरा भागा ये बंदा, क्या बताऊं मतलब। मैंने तो सोचा भाई साहब ऊपर होंगे लेकिन भाई साहब तो नीचे से वापस आ रहे। अरे कैसे? नहीं सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतना दिमाग लाते कहां से हो भाई, इतना दिमाग कहां से लाते हो, मतलब कहीं से खरीदते हो क्या इतना दिमाग, ऊपर से नीचे कूद के नीचे से ऊपर आ रहे मुझे मारने के लिए। खैर जो भी हो ये भाई साहब हो जाते नॉक, अब इसकी आने वाली बारात, क्योंकि जब दूल्हे नॉक हो जाता है ना तो बारात तो आती है पीछे से। वैसे नॉक तो मेरे टीममेट हो चुके जो कि सब ऑल डेड हो चुके हैं, बस बताऊं तो सिर्फ मैं ऑल डेड नहीं, मतलब मेरे टीममेट मर चुके नॉक फिनिश, बच रहा हूं मेरी टीम का मैं। और अपोनेंट में ये कुछ नमूने जिनका मैंने 1v4 कर दिया आराम से, क्योंकि ये एक एक करके आ रहे थे मेरे पास। अब देखो यार एक एक करके आओगे तो यही हालात होंगे, अगर चारों एक साथ घुसते तो शायद कुछ कर पाते ये लोग, लेकिन इनको कुछ करना ही नहीं था तो ये आए नहीं सब एक साथ में, एक एक करके आए, मैंने आराम से मार दिया इनको। तो देखो ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पे हो जाती है खत्म। अब यकीन मानो मैं मतलब हर जगह मैं जोर जोर गया, मतलब मैं हर जगह गया यार, लेकिन मुझे कहीं बंदे ही नहीं मिले। अभी तो मैं यहाँ से कहीं नहीं गया हूँ, लेकिन अब के बाद में यहाँ से जब गया था ना हर जगह मैं घूमा था, लेकिन यहाँ पे करता है पबजी कुछ सस्ते नशे जो कि भांग खा के किए थे शायद तक, क्योंकि इनको कहीं फ्री में भांग मिल गई, इन्होंने पी ली भाई साहब, और उसके बाद मेरी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन कोई नहीं आगे जाके मुझे एक बग्गी मिल जाती है तो मैं वो बग्गी लेता हूँ और इधर की तरफ आता हूँ, तभी मुझे सामने कुछ बंदों में लड़ाई होती दिखती है। अब देखो यहाँ पे लड़ाई किसी बंदों में नहीं हो रही है, दूसरे के एनिमी में, खुद एक दूसरे से टीममेट ही लड़ रहे एक दूसरे के सामने बंदे। तो देखो यार ये बंदे जो थे ना खुद पे ही एक दूसरे पे नेड मार रहे थे, और जैसे मैंने इन पे फायर करा तो जिसने नेड हाथ में ले रखा था ना उसका नेड छूट गया और दोनों नॉक हो गए, और उसके बाद एक टीममेट को मैंने फिनिश कर दिया उनके को, और एक भाई साहब खुद ही मर गया, मतलब आत्महत्या हो गई उसकी, आत्महत्या बोले सुसाइड कर लिया भाई साहब ने। तो जो भी हो उन्होंने जो भी करा अपने लिए फायदा हुआ, सर्वर में बंदे कम हुए और उसके बाद उनका एक टीममेट और बचा हुआ था जो कि भाई साहब वहीं पे बच गया था, मैंने उसे देख लिया था, अगर नहीं देखता तो ये बच जाता, लेकिन ये मेरे मुझे दिख गया था तो अब तो इसको मारना बनता था। तो मुझे लगा भाई साहब ये बंदा इधर कहीं लेटा होगा, लेकिन तभी मुझे शक हुआ कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कहीं बंदा पीछे घर में जाके बैठ गया हो। तो मैं सीधा जाता हूँ भैया घर में चेक करने के लिए, क्या पता कि भाई घर में ही लेटा हूँ ऊपर, लेकिन देखो अब क्या होता है। इधर ही देखा था मैंने पहले, तीन बंदे देखे थे इधर ही, इधर होता है। तो देखो यार ये भाई साहब अपने, ये भाई साहब तो अपने टीममेट की क्रेट लूट के आए थे,
नहीं मतलब उनपे थोड़ी गोलियां भी नहीं छोड़ी इसने, मरने के बावजूद उनकी लाश से भी पता नहीं क्या लेना चाह रहा था। मुझे लगता है वो नेड इसी हरामी ने किया था उन्हें लूटने के लिए। खैर जो भी हो, उसके बाद पबजी करता है सबसे बड़ा खतरनाक गांजा फूंक नशा, जिसे कहते हैं ना चिल्लम में गांजा भरता है थोड़ा सा और उसे पी जाता सुट्टे की तरह खींच के, जो कि जरा देखो यहाँ पे क्या होता है। अब मैं भाई आराम से गया, बग्गी को ब्रेक मारा। अब मुझे पता था कि मेरा हेल्थ थोड़ा डैमेज होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बुरी तरह से मैं पूरा ही मर जाऊंगा। मतलब क्या चल रहा है ये, क्या क्या कहते हैं इसको। खैर जो भी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना लाइक कर लेना, और पबजी वालों के नशों को सुधार लो यार। पबजी वालों क्या चला जाएगा तुम्हारा, और तुम भी सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भी कुछ नहीं जा रहा मेरे भाई हो यार, कर लो सब्सक्राइब।